यूपी बोर्ड परीक्षा में 98,000 छात्र छात्राएं बैठने जा रहे, जिनके लिए 143 परीक्षा केंद्र बनाए गए। गोंडा अति संवेदनशील है। 9 जोन 25 सेक्टर में जिले को बांटा गया। यहां पर डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार ने परीक्षा व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर परीक्षा की तैयारी पूरी की। दैनिक भास्कर से DIOS राकेश कुमार ने बातचीत की। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया 143 परीक्षा केंद्रों पर 4,500 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। हर परीक्षा केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक, वाह केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। 4 सचल दल बनाए गए, जिसमें DIOS, BSA व राजकीय कॉलेजों के प्रधानाचार्य शामिल। किसी छात्र छात्राओं के जूते नहीं उतरवाए जाएंगे। केंद्र पर बिजली, पानी, वाहन खड़ा करने की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के संकलन केंद्र GIC तक पुलिस सुरक्षा में कॉपियां लाई जाएंगी। यहां पर पुलिस बल लगाया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड की कॉपियां पहुंच चुकी हैं। प्रश्न पत्र आज भेजा जा रहा। संवेदनशील स्कूलों पर प्रशासन की पैनी नजर। आगामी 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और उसके लिए क्या तैयारियां हैं और उसके लिए कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, कितने शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, इस संबंध में हम जिला विद्यालय निरीक्षक गोंडा श्री राकेश कुमार से बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। जनपद गोंडा में कुल 143 परीक्षा केंद्र है, जिसमें हाई स्कूल के 57,000 और इंटर के 39,000 जो है बच्चे परीक्षा देंगे। परीक्षा को कराने के लिए हमने पूरे जनपद को 9 जोन 25 सेक्टर में बांटा हुआ है। प्रत्येक केंद्र पर बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक यानी 3 लोग तैनात किए गए हैं। परीक्षा की तैयारियों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट दोनों मजिस्ट्रेट की बैठक कर दी गई है। इसके साथ ही साथ सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक जो कक्ष निरीक्षक लगाने थे, लगभग 4,500 कक्ष निरीक्षक तैनात किए जा चुके हैं और वो अपनी उपस्थिति विद्यालय या केंद्र पर दे चुके हैं। इसके अलावा जो परीक्षार्थियों के लिए सुविधा है कि वहाँ पर पेयजल और अच्छे लाइट की व्यवस्था और जो उनके जो है कोई भी बच्चे के साथ जूता इत्यादि उतारने की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये सब बता दिया गया है और परीक्षा हम लोग सकुशल कराने के लिए पूरी तरह कवर कर सकते हैं। छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र में कितनी देरी पहुंचना है? जो स्कीम के अनुसार है, बच्चे का जो पेपर है 8 बजे से है, उसके 15 मिनट पहले उसको जो है पहुँच जाना चाहिए। 8 बजे तक एंट्री होगी, उसके बाद एंट्री होगी। आपके प्रश्न पत्र और कापियाँ सभी परीक्षा केंद्र पहुँच गई? सभी परीक्षा केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाएं पहले ही भेजी जा चुकी हैं और प्रश्न पत्र आज सभी परीक्षा केंद्रों पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर जो है वो CCTV की 24 घंटे निगरानी पर है, साथ ही जो है पुलिस फोर्स भी तैनात की है। आपके परीक्षा संपन्न बाद वहाँ से कापियाँ कहाँ पर यहाँ रखी जाएंगी, उनकी क्या सुरक्षा व्यवस्था? परीक्षा के उपरांत समस्त जनपद की एक ही संकलन केंद्र है, राजकीय इंटर कॉलेज गोंडा, वहाँ से प्रथम पाली की प्रथम पाली पे, द्वितीय पाली की द्वितीय पाली पे संकलन केंद्र पे काफी केंद्र से पुलिस व्यवस्था के साथ आती है। वहाँ पे सुरक्षा की क्या व्यवस्था, जहाँ पर कापियाँ जमा होगी? वो ऑलरेडी सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। वर्तमान में GIC में हमारे पास जो जहाँ पर प्रश्न पत्र रखे हैं वहाँ पर तैनात है और इसके बाद जब कापी वहाँ जमा होने लगेंगी तो वही फोर्स वहाँ पर तैनात हो जाएगी। अभी आपने सभी जितने परीक्षा केंद्र वहाँ पर जो CCTV जो लगने थे सब मुकम्मल आपने व्यवस्था? वो हम लोगों ने कई राउंड में चेकिंग कराया था फिजिकली और कंट्रोल रूम से भी हम लोग चेक करा रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसको ससमय हम लोग निस्तारित करेंगे। आपके कंट्रोल रूम में कितने कर्मचारी तैनात किए गए? एक पाली पे हमारे यहाँ जो ऑनलाइन है उसमें 9 लोग रहेंगे और 2 पाली ऐसे चलेंगे, तो ये लोग 18 लोग ऑनलाइन कंट्रोल रूम को संचालित करेंगे और प्रत्येक पाली में एक ऑफलाइन कंट्रोल रूम है जिसमें 5 लोग हैं टाइम पे, एक प्रभारी है, इसी तरीके से उस पर 10 लोग रहेंगे। इस प्रकार कुल जो है 28 लोग कंट्रोल रूम में लगाए गए हैं। आपके सचल दल जो है उनके लिए वाहन सुविधा है क्या? सचल दल जनपद में 4 सचल दल बनाए गए हैं जो मेरे अध्यक्षता में है, बेसिक शिक्षा अधिकारी के अध्यक्षता में। इसके अलावा 2 राजकीय विद्यालय के प्रिंसिपल के अध्यक्षता में है, 2 हम लोगों के पास वाहन है और शेष 2 के लिए वाहन जो है जिला प्रशासन से मांग कर ली है, कल तक वाहन उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।